नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दूं, कल से सेकंड मई से सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 एक्सटर्नल एग्जाम के जो ऑप्शनल पेपर है वो स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शनल पेपर के लिए कल के जो ऑप्शनल पेपर है उनके लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग ऑप्शनल पेपर लिए है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्लैश 5 ईयर एक्सटर्नल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर है, तो आप सभी लोग राइट डाउन करें। और मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट से। तो रूरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन, रूरल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर टू, रूरल डेवलपमेंट अंडर द 5 ईयर प्लान। तो ये दो क्वेश्चंस आपको देखने रहेंगे यूनिट नंबर वन में। यूनिट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन, नेचर एंड एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर टू, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। ये दो क्वेश्चन थे यूनिट नंबर टू में। नेक्स्ट यूनिट नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर वन, लैंड टेंचर सिस्टम एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर टू इन यूनिट थ्री, नीड स्कोप एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लैंड। तो ये दो क्वेश्चन थे यूनिट नंबर थ्री में। नेक्स्ट यूनिट नंबर फोर एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर वन, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी एंड अचीवमेंट्स एंड क्रिटिमाइसिस। क्वेश्चन नंबर टू, न्यू थ्रस्ट एरियाज इन एग्रीकल्चर। तो ये दो क्वेश्चन थे यूनिट नंबर फोर में। तो ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए वो थे रूरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो उसके लिए मैं आप सभी को क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। यूनिट नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन लेबर। यूनिट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन, इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप। ये आपको करना रहेगा यूनिट नंबर टू में। देन यूनिट नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर वन, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। एंड लास्ट यूनिट नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर वन, लेबर वेलफेयर एंड एजुकेशन देयर कॉन्सेप्ट। एंड क्वेश्चन नंबर टू इन यूनिट फोर, वर्कर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये आपको अच्छे से रीड करना रहेगा। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट के। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, कंज्यूमर बिहेवियर में हम बात करेंगे। तो यूनिट नंबर वन में क्वेश्चन नंबर वन, मार्केटिंग एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर टू, नॉन मार्केटिंग एप्लीकेशन एंड सोशल मार्केटिंग। ये दो क्वेश्चन थे यूनिट नंबर वन में। यूनिट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन, फैमिली रेफरेंस ग्रुप सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। तो ये दो क्वेश्चन थे यूनिट नंबर टू में। नेक्स्ट यूनिट नंबर थ्री, तो यूनिट नंबर थ्री में क्वेश्चन नंबर वन, नीड्स एंड मोटिव्स, पर्सनैलिटी, डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक फैक्टर्स। ये दो क्वेश्चन थे यूनिट नंबर थ्री में। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, नीड एंड मोटिव्स, पर्सनैलिटी, डेमोग्राफी एंड साइकोग्राफिक फैक्टर्स। लास्ट यूनिट नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर वन, स्टेजेस इन एडॉप्शन प्रोसेस। एंड क्वेश्चन नंबर टू, एथिक्स इन कंज्यूमर बिहेवियर, स्टेजेस इन एडॉप्शन प्रोसेस, एथिक्स इन कंज्यूमर बिहेवियर, यूनिट नंबर फोर। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट के थे। उसके बाद जो सब्जेक्ट है इंश्योरेंस थियरी एंड प्रैक्टिस, तो इंश्योरेंस थियरी एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको जो क्वेश्चन है वो शेयर कर रहा हूँ। यूनिट नंबर वन, डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर टू, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ इंश्योरेंस। यूनिट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर टू, नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस 1956 एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस 1972। एंड एक और है, वेरियस इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स एंड देयर स्पेशल फीचर्स। नेक्स्ट यूनिट नंबर थ्री, तो यूनिट नंबर थ्री में क्वेश्चन नंबर वन, मल्होत्रा कमेटी रेकमेंडेशंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IRDA। क्वेश्चन नंबर टू, ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। लास्ट यूनिट नंबर फोर, यूनिट नंबर फोर में क्वेश्चन नंबर वन, टाइप्स ऑफ रिस्क, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एंड कलेक्टिव रिस्क एंड मॉडर्न थियरी। एंड लास्ट
इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आपको रेट करना रहेगा यूनिट नंबर 4 में। एक और है करंट इशू एंड प्रॉब्लम्स इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो थे इंश्योरेंस थियरी एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट के। उसके बाद जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट सब्जेक्ट के लिए मैं आप सभी को जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। फाइनेंशियल मार्केट में यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अनरिकग्नाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट इन डेवलपिंग कंट्रीज, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये आपको करना रहेगा यूनिट नंबर 1 में। नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर 2 मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट एंड कॉमर्शियल पेपर मार्केट। यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड मीनिंग फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, एंड क्वेश्चन नंबर 2 ग्रोथ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। लास्ट यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 रोल ऑफ डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड क्वेश्चन नंबर 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बॉन्ड ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो थे फाइनेंशियल मार्केट सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे आप सभी को जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो शेयर किए। एंड लास्ट जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 1 कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसके बाद में यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, देन क्वेश्चन नंबर 2 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एंड लास्ट जो है रिसेंट डेवलपमेंट इन ट्रेड ब्लॉक्स। तो ये तीन क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 2 में। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 फीचर्स एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। लास्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लास्ट यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 कॉम्पिटिशन एंड कंपेरेटिव एडवांटेज प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्री। तो ये जो क्वेश्चन थे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्ट के थे। तो मैंने आप सभी को यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो शेयर किए हर एक यूनिट वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज। और कल के पेपर के लिए आप सभी को विशिंग यू ऑल द बेस्ट।